ऐसा जुड़े, क्या कुछ मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? फर्स्ट रिएक्शन जनरली बजट सीम्स टू बी ओके, बट टूरिज्म इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जी हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री पे हमें उम्मीद थी जी के जो बेनिफिट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में एक्सपोर्टर्स को दिए गए हैं वही बेनिफिट्स टूरिज्म इंडस्ट्री ने डिमांड करी थी कि सर्विस टैक्स एग्जम्पशन के बेनिफिट्स हमें दिए जाएं, बट दुर्भाग्य से टूरिज्म इंडस्ट्री का नाम ही नहीं मेंशन हुआ बजट में। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी हमें ये थी उम्मीद तो ATHSD जिसके ऊपर हमें एग्जम्पशन मिलता था 50% ऑन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, वो टेम्परेरी रिमूव करा गया था। हमें उम्मीद थी कि इस साल री इंट्रोड्यूस होगा, वो भी रीइंट्रोड्यूस नहीं हुआ। थर्ड थिंग जो डिसअपॉइंटिंग थी वो ये थी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस नहीं है, मतलब हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस हैं, रोड टैक्स भी और लग्जरी टैक्स भी, उसमें फॉरेनर्स फील चीटेड। फोर्थ थिंग जो हवाई जहाज के किराए इन्होंने बढ़ाए जी, मतलब किराए तो नहीं बढ़ाए, जो भी इन्होंने टैक्स लेवी करी है, पर उससे ऑपरेटर्स को एक मौका मिल जाएगा किराए बढ़ाने के लिए जी। होना ये चाहिए था कि जो डिमांड थी इंडस्ट्री की, एविएशन की या टूरिज्म की, कि ATF जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके ऊपर टैक्सेस एग्जम्प्ट होने चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल ऑपरेशन पे टैक्सेस एग्जम्प्ट हैं। तो यहाँ से बैंकॉक या सिंगापुर या श्रीलंका आप जाना चाहें वो ज्यादा सस्ता है, बजाय इसके कि आप दिल्ली से वो जो ATF पे हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी वो भी नहीं आई है टैक्सेस की जी। किसी तरह का जो खास चीजें डिसअपॉइंटिंग रही है एज फार एज टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंसर्न। GST के आने का जो संशोधन करने की बात कर रहे हैं, उससे आने से कुछ फायदा होगा आपको लगता है? देखिए GST का लॉन्ग टर्म में तो फायदा है जी, और एटलीस्ट जो कुछ ट्रांसपेरेंसी है लेके आ रहे हैं बाय फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑन द नेट, दिस इज अ वेलकम स्टेप। और जो स्किल्स के ऊपर इन्होंने 500 करोड़ रुपया बढ़ाया है ट्रेनिंग के ऊपर, दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज दैट इज ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सुभाष जी आप हमारे साथ बने रहे हैं, तो चीजें अच्छी हैं जी बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहे हैं। एक बार दोबारा रुख करते हैं समीर पटेल साहब का, जो इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और खास तौर से जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। महिलाओं को भी बड़ा नुकसान हुआ है, 10,000 और लिमिट कम हो गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, जरूर मैं आपके साथ मानूंगा, ज्यादा रिबेट रियल एस्टेट में 25 लाख तक की लिमिट बढ़ाई है, 20 से 25 लाख, बट आज जो महंगाई हुई है सीमेंट और स्टील के हिसाब से प्राइसिंग में, उसमें वो बहुत कम है ऐसा मेरा मानना है। लेडीज के लिए उनकी स्पीच के दौरान वो बोले कि उनके लिए कुछ आ रहा है पर कुछ आया नहीं, तो एक महिलाओं के लिए ये क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है जी। वैसे अगर आपसे भी पूछूं, उधर सुभाष जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछें, तो माइनस क्या क्या इसमें रहे, मतलब क्या निराशा रही, अगर माइनस ना भी सही, जो उम्मीदें थी उसमें वो पूरी नहीं हुई, उस तौर पर क्या कहेंगे? समीर जी आप पहले। सबसे बड़ी निराशा मुझे इस बजट में और बाकी बजट्स में यह रहती है जी कि हर बजट के अंदर आप बहुत हजारों करोड़ रुपया कर देते हैं, कभी रोजगार योजना के लिए, कभी किसी के लिए, पर जब आप बजट प्रेजेंट करते हैं पिछले साल जो आपने एलोकेशन करी थी उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये पब्लिक को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और अकाउंटेबिलिटी इस एलोकेशन ऑफ फंड्स की कोई नहीं है। ओके, तो ये मैं समझता हूँ कि बजट में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एक बात और भी है, टूरिज्म इंडस्ट्री का मैंने आपको बताई दिया है। जी, एक बात और भी, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, समीर जी का रुख करेंगे। समीर जी, जैसा कि अभी चर्चा हुई, सुभाष जी बता रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं होती है, तो क्या ये जो भी प्रोजेक्शन होते हैं सरकार के, इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा और क्या लिमिट होगी? जैसे कि ये कहा गया कि GST के लिए संशोधन बिल लाया जाएगा, ये लाया जाएगा, वो लाया जाएगा, लेकिन वो कब लाया जाएगा और किस टाइम फ्रेम में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती है, और इसी तरह से बजट के बाद दूसरा बजट आता रहता है। जी, मैं आपके साथ सहमत रहूंगा। ऐसा है कि अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्टर्स को बुला के जब कॉन्शियसनेस खड़ा रखना करना पड़ता है, अगर वो ही नहीं हो रहा है,
हमारे गुजरात की काफी डिमांड्स है जो मीट नहीं हो रही है और स्टेट को काफी नुकसान जाता है, तो जब तक एक प्लेटफॉर्म और एक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तब तक जीएसटी का कुछ ठिकाना पड़ने नहीं वाला है जी। मैट में भी काफी निराशा है, लोगों को था कि 18% मैट घटाया जाएगा पर ऊपर से 0.5% बढ़ाया गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है जी। बिल्कुल, अब डिसअपॉइंटिंग चीज है। आखिरकार अगर चलते चलते ये पूछें कि इन टोटैलिटी में पॉपुलिस्ट बजट है या फिर फ्यूचरिस्टिक और एक दिशा के साथ एक अप्रोच के साथ बजट को पेश किया गया है, तो क्या कहेंगे सुभाष जी आप? बहुत 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 कमिंग इलेक्शन जी 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 इलेक्शन के एंगल से ये पूरा बजट किया गया है। इलेक्शंस आप सुभाष जी पहले आप बताएं। बस मैं इनसे एग्री करता हूं कि ये इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कि आपने ओवरऑल टैक्स बढ़ाया नहीं जी। और लोगों को काफी होप दी है जी। पर ओवरऑल इट सीम्स टू बी गुड, पर जैसे कि मैंने कहा कि जब तक इन जो भी ये एलोकेशंस हैं इनका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है और टाइम बाउंड नहीं है, ये मीनिंगलेस है। एक लोगों को एक अकाउंटेबिलिटी एक वो मतलब फॉल्स होप देने वाली बात है जी। बिल्कुल समीर जी आप भी आखिर में जी। बस जीएसटी के लिए ये सब मिनिस्टर्स और स्टेट्स को कन्विंस करें और जल्दी जीएसटी लाए जी। और बाकी तो डिटेल्ड बजट पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि अंदर छुपा क्या पड़ा हुआ है जी। शुक्रिया आप दोनों का, सुभाष जी आपका भी, समीर जी आपका भी, आप हमारे साथ बने रहे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। अगर क्या डॉक्टर दत्ता जो बात हो रही है कि एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर तो होता है कि हम जो प्रपोज नॉर्मली क्या गवर्नमेंट करती है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, उसका क्या हुआ।